चिल्लाना चाह रही थी. सॉ अ शैडो पॉम्पी को स्लिपिंग पैरालाइज. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. नमस्कार और अपना लोग होकोल के मूर यूट्यूब चैनल लोगों पुनर बार शुभकामनाएं जनाइस. सो गाइस आज हम प्लीज प्लीज बैकग्राउंड का जो मैस है उसे प्लीज इग्नोर कीजिए क्योंकि हो जाता है यार. होटल रूम कभी भी मुझसे साफ नहीं रहता है. इधर उधर अगर ये साफ करने में वक्त लगाएंगे तो घूमेंगे कब. तो प्लीज़ इग्नोर दैट. अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस. मैं रेडी हो गई हूँ. ये ड्रेस जो कि अगर आप लोगों ने पैक विथ मी टू उदयपुर वाला वीडियो देखा तो पता होगा ये रेड ड्रेस के बारे में. तो ये मैंने आज पहना है. सिटी पैलेस जा रही हूँ इसलिए आई वॉन्ट सम गुड पिक्चर्स एंड गुड वीडियोज़. और ये भी चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और बोले कि हाय 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 सुंदर मतलब ड्रेस. तो अभी हमने ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर लिया. पूरा रेडी हो गए. अभी कैब आ रही है. कैब मतलब ऑटो आ रही है क्योंकि वहाँ तक सिर्फ ऑटो जाती है. कैब मतलब थोड़ा आगे छोड़ेगा पर ऑटो एकदम प्रॉपर जगह तक लेके जाएगी. तो इसलिए हमने ऑटो बुक किया है. अभी वी आर गोइंग टू सिटी पैलेस. मैं कभी नहीं गई. लोग बोल रहे कि 2 घंटा लगता है देखने में पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म करें और होटल वापस आ जाए क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्टेंट शूट करना है. सो वी नीड सम टाइम. कल हम वापस जा रहे हैं. 2 बजे की फ़्लाइट है तो हम जितना हो पाए हम जल्दी से आ जाएंगे और शाम को हम जाएंगे पिछोला में ऐसे चिल करने. और दिस इज़ हाउ आर विला लुक्स. बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा. अभी और अभी हम चलते हैं सिटी पैलेस. बहुत ज़्यादा धूप है. बहुत ज़्यादा आग भी नहीं खुल रही. तो कैब भी मतलब कैंसिल कर रहे हैं. कैब आ रहे कैंसिल कर रहे आ रहे कैंसिल कर रहे. तो अभी हम सोच रहे कि नीचे तक ही जाते. लेट्स सी कि आते नहीं आते. और फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुंचे हैं ये सफारी के चक्कर में. एंड वी फाइनली हैव रीच्ड सिटी पैलेस. बहुत ही ह्यूज है भाई. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ह्यूज होगा. चिप्स ब्यापा मानू. ये मुझे पसंद है. अब देखो इसको भी पसंद होगा. सौरव इज द फोटोग्राफर. और भीड़ भीड़ देखो. ज़्यादातर तो फॉरेनर्स ही है. इंडिया के कल्चर को इतना प्यार करते हैं फॉरेन के लोग. अच्छा लगता है देखते. ये हमारा गाइड समझाओ. ये राजा का प्लेग्राउंड था जहाँ पे राजा फाइट वगैरह सीखते थे. विजिट द साइट फर्स्ट. दिस साइट फर्स्ट. चलो नहीं जाना भाई. सो मैंने सोचा था कि इस लाइन में जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है. पर ऑप्शन नहीं है. इस लाइन में जाके ही एग्जिट मिलेगी. अदरवाइज नहीं जा सकते. तो जाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी. तो ये है नीचे का एरिया. फाइनली गाइस पता नहीं कैसे कैसे करके हम बाहर आए हैं क्योंकि अंदर एक बार आप जाओगे ना तो थोड़ा सा भूलभुलैया टाइप है. तो फाइनली हम बाहर आ गए. अब चलते कहीं और खाने. बहुत बहुत टाइम लेगा. अगर आप आ रहे हो तो 2 घंटा लेके ही आओ क्योंकि 2 घंटा लगने वाला है. और अभी हम आए हैं सन एंड मून कैफ़े है जो कि मुझे बिल्कुल गोवा वाली वाइब दे रही है. एज यू कैन सी इन द बैक बिल्कुल गोवा वाली वाइब है. तो हम ऊपर जाएंगे एक्चुअली खाने के लिए पर मैं वॉशरूम के लिए वेट कर रही हूँ. वॉशरूम जाके फिर हम चलेंगे ऊपर. तुम्हारे लिए भाल जगत बहाना है. अभी जाना ऊपर ही है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वॉशरूम. क्लियर कर देते मतलब पता नहीं लोग फिर क्या समझेंगे ना. खम्मा खम्मा तेरे खम्मा खनी बोली कोई बोली खम्मा खनी खम्मा खनी ना खा अभी खम्मा खनी खम्मा खनी
और हमने यहाँ पे आके खाना वाना खा लिया। एक्चुअली खाना खाते वक्त हमने वीडियो नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने खाने में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया और बाद में हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम मिला है। तो अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम और उसके बाद हम जाएंगे सीधा होटल हेरी टुमार 3500। सो अभी हम जाएंगे सीधा होटल और जाके वहाँ पे कुछ कॉन्टेंट शूट करना। और अभी हम पहुंच गए हमारे विला, खावा के आगे बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गए। मुझे अभी कंटेंट शूट करना है, आई एम वेटिंग फॉर द गोल्डन आवर। थोड़ा सा टाइम है, इट्स 5, पर एज यू कैन सी कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। असम में तो अब तक रात हो चुकी होगी, मतलब शाम हो चुकी होगी, पर यहाँ पे बहुत लेट सनडाउन होता है। तो 6:30 को सनडाउन है, तो 6 बजे से गोल्डन आवर हो जाएगी, तो तब मैं कॉन्टेंट बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और मैं भूल गई थी कि एक्चुअली मैं व्लॉग कर रही थी। और हम आ गए सिटी पैलेस से आके, फिर मैं सो गई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और उठ के हमने 2-3 वीडियो बनाया क्योंकि बहुत मैंने बोला था कि कंटेंट बनाना है, और उठते उठते थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब सन ऑलमोस्ट डाउन हो चुका था। फिर भी हमने जैसे तैसे करके मैनेज किया, कॉन्टेंट्स बनाए। अभी थोड़ा सा कॉफ़ी पी रही हूँ बिकॉज फ्रेश होना है, माइंड को फ्रेश करना है। अभी रात को एक कैफ़े है, वहाँ पर बुलाया है खाने के लिए, वहाँ पे जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही इस एनवायरनमेंट में चिल कर ये जो हो रहा है ना, मतलब देख के मज़ा आ गया। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर रियल में मतलब इट्स वेरी 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 उफ 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 राम। आयो मुँह मूड बिहार इनका ही लगा, एक ही लगा मूड बिहार पक्का। और अभी हम आ गए हैं गुलाबो कैफ़े, इट्स ऑलरेडी 9:20। सुष्मित उन लोगों को भी जाना था, तो उनको बाय बाय बोल के हम आ गए। अभी थोड़ा यहीं पे बैठेंगे, चिल करेंगे। हालांकि हमारे होटल से दूर है, थोड़ा 15 मिनट करीब डिस्टेंस में है। तो अभी हम थोड़ा सा यहीं पे बैठेंगे, खाएंगे कुछ, एंड देन वी विल गो बैक टू आर होटल। आज थोड़ा जल्दी सोना है बिकॉज कल हमारी 2 बजे की फ़्लाइट है, तो सुबह उठ के और एक दो कॉन्टेंट बनाने, लाइफ ऑफ ए कॉन्टेंट क्रिएटर। बट देन हाँ, करना ही पड़ता है, काम है। तो यस, वो बेचारा मेरा प्रोफेशनल वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर। महफिल हम करके आ गए हैं गुलाबो में, काफ़ी अच्छा लगा। और सौरभ बोल भी रहा था कि उसका मतलब लाइव सिंगिंग सुनने का या फिर गाने का मन कर रहा है, और उसने उस वो शायद कुछ और मांगता तो मिल जाता, मांग लेते कि मेरा 1 मिलियन हो जाए इंस्टाग्राम में। और एनीवे, तो अभी हम जा रहे हैं कैफ़े, हम जा रहे हैं होटल। और यहाँ पे कैब मिली एक्चुअली बहुत मुश्किल है, मतलब रात को कैब मिलती नहीं, और मिलती भी है तो उनका अलग डिमांड्स होता है। तो अभी हम अमरकोठी पहुँचने वाले हैं, पहुँचते ही सो जाएंगे फिर, क्योंकि कल उठ के हमें जाना है बैक टू मुंबई। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट पार्ट, मैं मुंबई आ गई हूँ। आए हुए मुझे एक्चुअली 2-3 दिन हो गए, पर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही थी, आते वक्त भी मैंने उदयपुर का कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं उस मतलब मेंटल स्टेट में थी ही नहीं जिस पे मैं व्लॉग बना सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकती हूँ। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली डाउन, क्योंकि क्या हुआ, हम जिस जगह में रह रहे थे, मैं नहीं बोलूँगी कि उस जगह में कुछ है या फिर वो नेगेटिव है, वो सब मैं नहीं बोलूँगी। पर क्या हुआ, पहले दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम आराम से जाके सो गए, नींद आ गई थी। पर उस दिन क्या हुआ, हम अराउंड 12:30 करीब हम सो गए थे, और मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, और पता नहीं कहाँ से मेरे इधर में स्क्रैचेस, इधर स्क्रैचेस, और इधर तो अभी भी है स्क्रैच, एज यू कैन सी, मतलब अभी मैं दिखा दूंगी। तो ये पहले आया, फिर इधर 3-4 आया, फिर इधर कुछ आया, तो मुझे नहीं पता था ये स्क्रैचेस कहाँ से आए। तो पहला जब मुझे दिखा नहाने के बाद, क्योंकि थोड़ा पानी लगा तो जल रहा था वो, तो मुझे लगा कि शायद कपड़ों की वजह से हो सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोज हुए उसकी वजह से भी हो सकता है, जो कि हो भी सकता है, अभी भी हो सकता है। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वैसा कुछ और हो गया मेरे साथ, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी भी हो सकता है, पर वी डोंट नो द रीज़न किसके वजह से हुआ है, या फिर कहीं कपड़ों में लगा है, पर 3-4 जगह पे वो स्क्रैचेस हुआ। तो फिर
मैंने पॉम्पी को पूछा कि तुझे क्या लगता है कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, तो उसने बोला कि पता नहीं यार, मेरा भी एक बार हुआ था बहुत पहले जब मैं गांव में थी, गले में ऐसे स्क्रैचेस हो गए थे, फिर सुबह उठ के देखा तो वो थोड़ा ऐसे पकने जैसा लग गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया, मतलब किसकी वजह से हो सकता है, आई इज़ रियली रियली स्केर्ड। और जाने से पहले भी बहुत लोगों ने बोला था कि यार उदयपुर और राजस्थान ऐसी जगह पे थोड़ा सा, मतलब यू माइट एक्सपीरियंस, और होटल और विला इन सारी चीज़ों का क्या होता है, हमें नहीं पता कौन सी जगह पे उन्होंने बनाया है, ये वो नेगेटिव पॉजिटिव उन सब के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर स्क्रैचेस आ गए तो मैंने क्या किया, गूगल में ऐसे सर्च किया कि अननोइंगली स्क्रैच आ सकता है, क्योंकि मेरा तो ऐसे कभी कभी मैं मुझे बिना बताए बिना पता हो भी ऐसे लग जाते हैं अननोइंगली, तो ये ब्लैक ऐसे ब्लड जो काला हो जाता है वो वैसा होता रहता है मेरे साथ, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार लगा होगा कहीं से, इतना भी मतलब मैंने प्रेशर नहीं दिया, हालांकि मुझे डर लग रहा था पर मैं उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर रही थी। तो फिर मैं सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी, मैं आँख ही बंद नहीं कर सकती थी, अगर मैं आँख बंद करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मतलब क्या ही हो जाएगा मेरे साथ। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि चलो सो जाते हैं, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है, सुबह फ़्लाइट है, तो मैं सो जाती हूँ। और सोते ही आई थिंक अराउंड 1:30 करीब शायद मैं सो गई, और फिर सोते ही मुझे स्लीपिंग पैरालाइज्ड हो गया, जो जिस जिसको होता है उनको पता होगा कैसा लगता है स्लीपिंग पैरालाइज होता है। तो और मेरा, मैं दोपहर को इसीलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे होता है स्लीपिंग पैरालाइज, तो मैं सो गई। और रात को मुझे कभी नहीं होता है स्लीपिंग पैरालाइज बाय द वे, पर मैं उस दिन मुझे रात को हुआ, और मेरी पूरी बॉडी, आई स्वेयर, मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई, बिल्कुल एकदम ठंड सा पड़ जाता ना, एकदम सुन होके बॉडी बिल्कुल ठंड हो गई। और मैं ट्राई कर रही हूँ उठने की, क्योंकि जब स्लीपिंग पैरालाइज होता है तब आपको लगता है कि आवाज़ कर रहे हो पर आवाज़ करनी मतलब कर नहीं रहे हो आप एक्चुअली, और आप हिल नहीं पाते हो। तो मैंने, और जब भी ऐसा होता है आई जस्ट से कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके फिर मैं ऐसे झटके में एक उठी, उठ के फिर मुझे मतलब एकदम सर चकरा गया वैसा फील हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ, मैं ना नहीं सोती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ आज पूरी रात, मैं फ़ोन देखती हूँ या फिर कुछ देख लूँगी, मैं नहीं सोती हूँ। और उसके 10 मिनट बाद पॉम्पी को स्लीपिंग पैरालाइज, विच वॉज रियली 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 शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि चलो मुझे डर लग रहा है या फिर मेरे दिमाग में जहन में कुछ बैठ गया, उसके वजह से मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो उसके वजह से मुझे हो सकता है, पर लिटरली पॉम्पी को हुआ, वो मेरे साथ ही सो रही थी, और पॉम्पी को मतलब 5 मिनट बाद उसने एकदम बहुत ज़बरदस्ती ऐसे उसने आवाज़ निकाली कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने उसको उठाया, उठ 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 ऐसे करके उसको जगाया, और सौरभ को बुला लिया था तब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट रही थी हमारी, बहुत डर लग रहा था उस वक्त। फिर मैंने उसको जगाया कि उठ 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 उठ, ऐसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला पता नहीं क्या, तो मैंने पूछा नहीं ये कि कोई सपना अपना देखा क्या, तो मैंने वो सब उसको नहीं पूछा। फिर उसके बाद क्योंकि वो सोच भी नहीं रही थी ऐसा कि डर वर नहीं रही थी, पॉम्पी डरती नहीं है इतना अंधेरों से, वो अकेले सो सकती है आराम से, अकेले घूम सकती है, तो उसका वो इशू नहीं है, मुझे वो इशू है। तो फिर उसको भी जब हुआ तो मेरी हालत ख़राब थी, मतलब ख़राब थी, मैंने तो पूरा सोच लिया कि आई एम नॉट गना स्लीप आज। और फिर पम्पी सो गई दोबारा, दोबारा सोने के बाद मैंने सौरभ को बुला लिया था, तो मैंने बोला कि तुम भी सो जाओ और तब मैं कोई सीरीज़ वीरीज़ देख लेती हूँ। तो मैंने ताज़ा खबर का बाकी का एपिसोड जो मेरा था वो मैंने लगा लिया, और देखते देखते ही मेरी आँख लग गई, मुझे पता भी नहीं था कब आँख लग गई। और जैसे ही मुझे आँख लगी, मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि आँख रियल में हुआ, वो नहीं है, जैसे ही मुझे आँख लगी दोबारा मुझे स्लीपिंग पैरालाइज हुआ। और स्लीपिंग पैरालाइज में मुझे ऐसा सपना आया कि मैंने आँख खोला एंड आई लिटरली सॉ अ शैडो मिरर में, ऐसा नहीं कि मैंने रियल में देखा, मिरर में मैंने एक शैडो देखा जो पीछे जो हमारा बेड था उसके पीछे एक लंबा सा शैडो, मेल शैडो, आई थिंक मेल शैडो वैसा था, और दोबारा ऐसे दो ऐसे जट जट करके वो घूमे, एंड मैं ऐसे वाले झटके में उठी हूँ ना, ठंडी पड़ गई थी मैं बिल्कुल, मतलब क्या, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, मैं नहीं बोल सकती कि उस वक्त मुझे कैसा लगा।
और मैं उठी, आँख खुला मेरा, और उसके बाद मैं आई वॉन्ट टू स्क्रीम, मैं चिल्लाना चाह रही थी डर के मारे, पर मैंने नहीं चिल्लाया क्योंकि उस वक्त 3:30 अराउंड हो रहा था, तो मैंने नहीं चिल्लाया क्योंकि ये दोनों थे, ये दोनों भी और डर जाएंगे दोनों. तो मैं बस ये थी कि भाई मुझे बस सुबह का इंतज़ार है, सुबह हो जाए. इतनी लंबी रात कभी नहीं गई होगी मेरी, बस सुबह हो जाए. तो मैं फिर से वही कर रही थी कि मैं फ़ोन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और मिरर में मिरर नहीं देख रही थी, विंडो में देख रही थी कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी. और 5:30 के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि, पर मैं वो चीज़ भूल ऑब्वियसली कैसे भूल पाऊँगी. तो वो मेरे दिमाग में चल ही रहा था और पूरा एकदम हैवी सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा. एंड देन फाइनली सुबह हुई, और सुबह होने के बाद एक दो घंटा मैं सोई रोशनी में, पूरा एक दो घंटा सोई. उसके बाद ब्रेकफास्ट किया एंड देन जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो पाए हम वहाँ से निकल आए. एंड देन एयरपोर्ट में काफ़ी देर बैठे थे. फ्लाइट हालांकि हमारी 2 बजे की थी पर वो 1 घंटा और डिले हो गई, पर हम एयरपोर्ट में 1-2 घंटा बैठे हुए थे. फिर उसके बाद मुझे नींद, मैं रात को बिल्कुल सोई नहीं, तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था, वॉमिटिंग सा लग रहा था, बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा था. और मुंबई आने के बाद फाइनली रिलीफ है कुछ वैसा, अभी ऑब्वियसली घर पे वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फील नहीं है, बट देन येस दिस वॉज वन एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं भूलूंगी एंड वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ. वही, इसीलिए मैंने आने जाने का कुछ, मतलब वापस आने का कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरे पास वो इतना था ही नहीं स्ट्रेंथ कि मैं व्लॉग करूँ. आई वॉज सो मच इन स्ट्रेस एंड या सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या हुआ था. एंड आई नो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वहम हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सच में ही कुछ था, पर वहम भी हो सकता है. बट देन जो हुआ मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया, अभी गॉड नोज. सो यही था आज का वीडियो, मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, बाय.